Good morning, children. How are you all? Are you doing your homework? Yes. Okay. So students, daily homework करना है. Okay. So आज हम करने जा रहे हैं हमारे next chapter. That is pattern and shape. Shapes and pattern. यानी हम lots of shapes के बारे में understand करेंगे. उनको understand करेंगे. उनकी properties को understand करेंगे. Are you crazy? Are you crazy? Yes. Okay. So students, first of all, जो हम read करने जा रहे हैं, that is rectangle. That is rectangle. R E C T A N G L E. That is R E C rect T A N G L E tangle. Rectangle. Okay. अब students, जब हम four lines One line, two line, three lines and four lines. Four lines की use करके हम ये shape बनाते हैं तो इसको हम rectangle कहते हैं जिसमें जो first ये वाली जो line होती है that is long side और ये वाली side क्या होती है short side. ये वाली side, long side and this is short side. Oh yes yes wait. और जो यहाँ पे ऐसे जो इनका जॉइनिंग पॉइंट होता है उसे बोलते हैं कॉर्नर. क्या बोलते हैं? कॉर्नर. सी ओ आर एन ई आर. दैट इज कॉर्नर. क्लियर? लुक एट दिस प्रॉपरली. यस यस यस. कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर. क्योंकि सारी तरफ जॉइन हो रही है पॉइंट. नाउ काउंट हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर. यस, वन टू थ्री फोर. तो मेरे पास फोर क्या हो गए? कॉर्नर. और टू साइड्स क्या है? लॉन्ग. दिस साइड इज लॉन्ग एंड उसके जो बिल्कुल सामने वो वाली साइड भी लॉन्ग. सो टू लाइंस क्या है? टू लॉन्ग साइड्स. टू लॉन्ग साइड्स एंड टू इज शॉर्ट. दिस इज शॉर्ट एंड दिस इज ऑल्सो शॉर्ट. क्लियर? सो टू इज शॉर्ट लाइन. क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? रेक्टेंगल. अब बच्चे, आपके घर में क्या क्या चीज रेक्टेंगल में होती है? कंपैरिजन कर, एक शीट ली, मेजर करो इसके साथ. मैंने यहाँ पे रखा, क्या ये रेक्टेंगल की तरह है? ये लॉन्ग साइड, दिस इज ऑल्सो लॉन्ग साइड एंड ये इसका कॉर्नर है. दिस इज ऑल्सो कॉर्नर. ये इसका कॉर्नर है. ये कॉर्नर ये है. फोर साइड्स हैं. वन साइड, टू साइड, थ्री साइड, फोर साइड. फोर साइड जिसमें से ये वाली क्या है? लॉन्ग. और ये क्या है? शॉर्ट. दिस इज लॉन्ग, दिस इज शॉर्ट. लॉन्ग लॉन्ग. टू लॉन्ग साइड्स, शॉर्ट साइड, शॉर्ट साइड. टू शॉर्ट साइड्स एंड वन कॉर्नर, टू कॉर्नर, थ्री कॉर्नर, फोर कॉर्नर. क्लियर? सो फोर कॉर्नर्स, टू लॉन्ग साइड एंड टू शॉर्ट साइड्स. सो दिस इज रेक्टेंगल. क्लियर? इसके अलावा आप बताएं और क्या क्या रेक्टेंगल्स हैं? यस, योर नॉट बुक. लुक एट दिस प्रॉपरली. दिस इज योर नॉट बुक बुक्स. यस, फर्स्ट स्टैंडर्ड बुक. आपकी ये बुक है ना? सो लुक एट दिस प्रॉपरली. लॉन्ग साइड, लॉन्ग साइड, शॉर्ट साइड, शॉर्ट साइड एंड नाउ काउंट द कॉर्नर्स. वन टू थ्री फोर. फोर कॉर्नर, टू लॉन्ग साइड्स, टू शॉर्ट साइड. सो दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल. क्लियर? और भी स्टूडेंट्स, आप मेरे को मैसेज करना, आप रेक्टेंगल्स की शेप मेरे को बताना और कौन कौन सी शेप आपको नजर आती है जो रेक्टेंगल्स हैं. क्लियर? सो आज की जो वर्कशीट है, अब मान लो ऐसी है, आपने क्या करना है? जो लॉन्ग रेक्टेंगल होगा उसको सर्कल करना है. जो रेक्टेंगल होगा उसे टिक करना है, या तो उसे ट्रेस कर देना या फिर उसे आप उसे सर्कल कर देना. क्लियर? सर्कल लगा देना उसके ऊपर या फिर ऐसे टिक लगा देना. जैसे मान लो मैंने आपको थ्री शेप्स दी, एक में क्वेश्चन कर बाकी यहाँ पे देखो. Now, tell me.
रेक्टेंगल कौन सा है? यस, विच वन इज रेक्टेंगल? दिस वन, पिक इट। ओके, सो आज की वर्कशीट इसी के ऊपर डिपेंड है, आपने अच्छे से करना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।